आज की छुट्टी मेरे कन्हैया के साथ ठाकुर जी के विवाह में अपने गोविंद के साथ में मनाएंगे, अपने कृष्ण के साथ मनाएंगे। एक बात बताऊं, वो बड़े बदकिस्मत हैं बेचारे, सिर्फ विवाह से बचे हुए, और आप बड़े किस्मत वाले हो कि जिसने दुनिया बनाई है आपको उसके विवाह में शामिल होने का मौका मिल रहा है। यू आर लकी पर्सन। तो आप सब जितने भी लोग बैठे हैं, पीछे तक नजरें भी नहीं जा पा रही हैं, वहां तक लोग बैठे हैं। आप दिल्ली में इतने लोगों को इकट्ठा करना, इट्स नॉट ईजी जॉब, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट साहब। लेकिन ये दिल्ली वाले अब शो कर रहे पूरे विश्व को कि यहां पर भी शांति चाहने वालों की कोई कमी नहीं है, यहां दिल्ली में भी कृष्ण के दीवानों की कोई कमी नहीं है। दिल्ली वाले दिल खोल कर कृष्ण से प्यार कर रहे, बोलो राधे। ये जापानी पार्क नहीं रहा, अब ये निधिवन हो गया है, निधिवन हो गया है। यहां कन्हैया की लीलाएं गाई जा रही है, क्या बात है। कन्हैया ने देखा कि ब्राह्मणों को बंदी बना लिया है जरासंध ने, अगर इसकी विजय नहीं हुई तो ब्राह्मणों को मार देगा, मृत्युदंड मिलेगा। इसी भय से श्री कृष्ण ब्राह्मणों की रक्षार्थ उस युद्ध भूमि को छोड़कर, रण छोड़कर भाग गए। नाम रखा लिया अपना रण छोड़। बोले रण छोड़ भगवान की, नाम रण छोड़ रखवा लिया, रण छोड़कर भाग गए। और जरासंध को ऐसा महसूस हुआ कि मेरी विजय हो गई, लेकिन रण छोड़कर भागे कहां, बोले समुद्र के बीच में द्वारका बसा ली, और उस द्वारका में जाकर मेरे कृष्ण अपने इष्ट मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ रहने लगे। द्वारका में कृष्ण, द्वारका नाम है शहर का, नगर का, द्वारका। रात्रि में सोते सोते मथुरा में जो लोग सो रहे थे ना, उनको द्वारका में पहुंचा दिया। अब जब सुबह उठे तो जहां द्वार था वहां उनको दिख नहीं रहा था। अब वो सब लोग कहने लगे द्वारका द्वारका द्वारका, मतलब द्वार कहां द्वार कहां द्वार कहां, तो शहर का ही नाम पड़ गया द्वारका। और द्वारका का एक मतलब भी कह दूं तो बड़ा प्यारा है, जो कृष्ण से मिलने के लिए द्वार खोल दे उसका नाम है द्वारका। जो कृष्ण से मिलने के लिए द्वार खोल दे उसका नाम है द्वारका। और ये जापानी पार्क भी द्वारका से कम नहीं, अगर कोई दिल से बैठे तो यहां पर कृष्ण से मिलने के अनेकों द्वार खोले जा रहे हैं। किसी को भक्ति का द्वार पसंद है तो आओ भक्ति करो, किसी को ज्ञान का द्वार पसंद है तो आओ ज्ञान के साथ ब्रह्म को मनाओ, और किसी को अगर त्याग का द्वार पसंद है तो आओ संसार के मोह का त्याग करो और मेरे गोविंद से प्रेम करो और हो जाओ मेरे कृष्ण के। अनेकों द्वार ये भागवत खोलती है, अनेकों द्वार ये कथा खोलती है। तुम्हें जो द्वार तुम्हें ज्यादा पसंद हो उसे घुस जाओ, कृष्ण मिलेगा, गोविंद मिलेंगे, मेरे कृष्ण मिलेंगे, तेरा इंतजार करेंगे। द्वारका में कृष्ण को एक प्रेम पत्र आया, और ये पहला प्रेम पत्र है। प्रेम पत्र कैसा है, बोले लाजवाब है, अवर्णीय है। कृष्ण ने जिसे देखा भी नहीं वो प्रेम पत्र भेजती है, वो भी सीधे शादी के लिए। अच्छा एक बात बताओ, तुम किसी को बिना देखे उससे शादी कर लोगे हैं? पहले होती थी, अब नहीं होती है। अब तो लड़का अभी कहता है पहले देखांगे, असी पहले देखांगे कुड़ी केमे, आजा भाई देख ले। अब गया, कुड़ी तो बड़ी सोनी सी, बट मुंडा सोना नहीं सीगा। कुड़ी बोली मैनू तुसी पसंद नहीं हो। हाय ले, मैं तो सोचा था मैं फेल करूंगा, इसने तो मुझे ही फेल कर दिया। वैसे एक बात बताऊं कुड़ियों, ध्यान से सुनो, जब कोई तुम्हें देखने आए ना, हिम्मत रखो, जब भी कोई दहेज मांगने की जरूरत करे ना तो कह देना मैनू मुंडा पसंद नहीं है। गाय बोलो,
मैनू मुंडा पसंद नहीं है। जो अभी से मांग रहा है वो जिंदगी भर मांगेगा, और मांगने वालों के जो हाथ फैलाते उनको अपनी बेटी मत देना मेरे भाई बहन। जो हृदय से अपनी आपकी बेटी को अपनी बेटी बनाकर ले जाए, ऐसे बच्चे के साथ में, ऐसे जिसने ऐसे सुंदर भावों का ऐसे के साथ संबंध जोड़ना, जो ससुर कैसा हो जो बेटी बनाकर ले जाए। दूल्हा कैसा होना चाहिए? जो अपनी बहन को सम्मान देता हो। तो मेरा निवेदन है, कन्हैया ऐसे हैं जिन्होंने देखी नहीं कुड़ी, रुक्मणी को देखा ही नहीं, और देखा नहीं बस प्रेम पत्र पढ़ा, और प्रेम पत्र को पढ़कर हमारे गोविंद तैयार हो गए। किसके लिए? रुक्मणी जी को ब्याहने के लिए पहुंच गए। पहुंचे उससे पूर्व आप विराजमान श्रद्धा विश्वास से अपने आप को कृष्ण के विवाह में सम्मिलित करने के लिए तैयार करें। हो जाइए तैयार, तैयार हैं? पीछे तक आपका आना जाना बंद हो जाना चाहिए, आप बैठे रहो एकाग्र होकर। कन्हैया रुक्मणी जी का हरण करने के लिए गौरी जी के मंदिर में पहुंचे, और गौरी जी का पूजन कर रही हैं रुक्मणी जी। और यहां पे हमारे मध्य में कन्हैया भी आ गए और रुक्मणी जी भी आ गई। और हम भी तैयार हो गए अब। तो सरकार, दूल्हा सरकार, कन्हैया जी अब आप जरा इधर आ जाइए। आप रुक्मणी जी, बरातियों को यहीं रहने दो, बरातियों को यहीं छोड़ दो, हाँ यहीं से निकल जाए। और रुक्मणी जी के पास में आप पहुंचे, और आप लोग सभी जो लोग खड़े हैं वो शिशुपाल के साथ बारात में आए थे, और जो बैठे हैं वो मेरे कन्हैया के विवाह में शामिल है, और जो कन्हैया के विवाह में शामिल है आनंद तो उन्हीं को आता है। एक बार पुनः मैं आग्रह कर दूं, विवाह को प्रारंभ करने से पूर्व जो भी लोग दिल्ली के आसपास इस समय कथा सुन रहे हैं, और आप सभी भी, कल संपूर्ण भागवत कथा सुनाई जाएगी, और जिन्हें भी दुनिया के साथ में आप बहुत होली खेले हो, लेकिन अब दुनिया के साथ में नहीं खेलना है, अब की बार होली खेलनी है कन्हैया के साथ। आप सबसे निवेदन है कि आप होली खेलें मेरे गोविंद के साथ, दुनिया के साथ नहीं। अब की बार अपने जीवन में हम और आप सभी कन्हैया का रंग चढ़वाएंगे, और कन्हैया का रंग चढ़वाकर अपने जीवन को धन्य करेंगे, और ऐसा रंग चढ़वाएंगे जिससे हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, जिससे हमारा कल्याण हो जाएगा, और हम अपने जीवन में कृष्ण रंग चढ़वाएंगे। तो कल जो भी लोग इस भागवत कथा को श्रवण करेंगे उन्हें सातों दिन कथा का लाभ मिलेगा। तो अधिक से अधिक बड़ी संख्या में आप लोग यहां पहुंचे और संपूर्ण भागवत कथा का रसास्वादन आप लोग करेंगे। अभी आप और हम सभी भगवान के इस विवाह महोत्सव में शामिल होंगे प्रेम से। सरकार, सरकार विवाह करना है? हैं? ये विवाह ऐसा विषय है जिसके लिए कोई मना नहीं करता है, हैं? सब हम ही भरते हैं, और जब विवाह हो जाता है ना तो फिर तो सब जो ऐसा सोचते वो आपको पता ही है ना। तो सरकार विवाह करना है? नहीं मानना? पक्का कंफर्म है? अब नहीं मानेंगे? बोले दूल्हा बनकर आ गए, हरण भी कर लिया, अब क्या अभी इतने पर भी छोड़कर चले जाएं? अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, अब तो पक्का ही विवाह करा दीजिए महाराज, तभी जाएंगे। तो पंडित जी का तो काम है विवाह कराना, महाराज करवाएंगे। रुक्मणी जी शादी करनी? बोले हमने तो पत्र दिया जल्दी करवाओ, भैया का प्रोग्राम पता नहीं कब बदल जाए, जितनी जल्दी हो सके उतना। तो आप सब फिर खड़े हो गए, आप लोग बैठ जाइए। हाँ, अब हमारे कन्यादान की रस्म अदा होगी, हमारे मुख्य यजमान उत्सव यजमान जो है, तो सभी बैठे रहें, कोई भी खड़े होकर कार्यकर्ताओं तक आप न जाएं, निवेदन है बैठे रहें।
थोड़ी देर बाद में हम यहां उत्सव मनाएंगे, नाचेंगे, झूमेंगे, गाएंगे और कृष्ण के विवाह में स्वयं शरीक होएंगे, स्वयं शामिल होएंगे।